हेलो दोस्तों, वीडियो देख रहे सारे भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, मैं आज बहुत देर के बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके काम की वीडियो है जो मैं आज बना रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों इसको स्किप करके मत देखना, ताकि आप भी इसको समझ पाओ और आपके ये काम आ सके। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना जिन भाइयों ने नहीं किया, और घंटी भी बजा देना। तो दोस्तों, मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो कोई भी SMPS सप्लाई है, छोटी है या बड़ी है, तो जैसे आज मेरे पास ये जो बैटरी वाली एक्टिवा है, स्कूटी है, उसका चार्जर है 60 वोल्ट का 20 एम्पीयर का। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसका प्राइमरी सेक्शन, जैसे यहाँ पर 3842 IC है जो, वो भी ख़राब है, और जो MOSFET लगा हुआ है वो भी ख़राब हो गया। मैंने दोस्तों दो बार तीन बार इसको MOSFET लगाया, इसके कंपोनेंट्स भी चेंज किए, लेकिन फिर भी कोई कमी रहने की वजह से ये MOSFET बार बार ख़राब हो गया, और काफ़ी उसका नुकसान हुआ और चार्जर भी नहीं बना। तो दोस्तों, इसके सलूशन के लिए मेरी समझ में एक ये मॉड्यूल है, इसका नंबर है CA901। वैसे तो इसको LED में 24 वोल्ट या 12 वोल्ट की सप्लाई बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कहीं भी किसी भी सप्लाई में, चाहे वो TV की सप्लाई है, LED है, LED की है, चाहे वो 12 वोल्ट है, चाहे 24 है, चाहे इससे कम या ज़्यादा है, तो उसको कहीं भी आप इस मॉड्यूल को लगा सकते हो। लगाने की तकनीक कैसी है और क्या करना है वो आपको मैं आज बता रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, ध्यान से देखना ताकि आप समझ पाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस मॉड्यूल का ये जो IC है 817 या 16, इसकी एक नंबर पिन और दो नंबर पिन इस साइड से आपने ओपन कर लेनी है, जिस साइड में ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसको ओपन कर लेना है। देखिए दोस्तों, मैंने इसको ओपन किया हुआ है, और इसके साथ इस मॉड्यूल की येलो और वाइट वायर को यहाँ से काट कर इन दोनों पिन के साथ अटैच करके और ऊपर ग्लो डाल दिया, ताकि ये कहीं टच ना हो पाए। तो आप भी दोस्तों इसको पहले ये कर लीजिए, यहाँ से निकाल दिया है मैंने, और पिन को ओपन करके ये देखिए येलो और वाइट वायर को अटैच कर लिया। तो जैसे ये मॉड्यूल अब अपना इसमें इंस्टॉल करने के लिए तैयार हो गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, इसकी जो ब्लैक वायर है वो तो हमेशा की तरह, जैसे अपना दूसरा मॉड्यूल लगाते, इसका जो नेगेटिव पॉइंट है, जो इसका मेन कैपेसिटर है 100 MFD 450 वोल्ट का, इसके नेगेटिव पॉइंट पर लगा देना है। नेगेटिव पॉइंट देखिए यहाँ पर, जहाँ भी जाता है, यहाँ जाता है, चाहे यहाँ लगा दीजिए। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो भी अकेला बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा परेशानी रहेगी। तो दोस्तों,
मैंने ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पर लगा दिया है। अब इसका जो रेड वायर है, रेड वायर को जो मॉस्फेट का सेंटर पॉइंट है, देखिए जो सेंटर पॉइंट है वहां पर इसको लगाना है रेड वायर को। देखिए दोस्तों थोड़ी परेशानी तो रहेगी लेकिन वीडियो भी बनाना है और आपको दिखाना भी है। देखिए दोस्तों लगा दिया है। अब दोस्तों ये दो वायर तो लग गया, तीसरा बचा ये ग्रीन वायर। तो ग्रीन वायर को हमने कहाँ लगाना है, जो ये कैपेसिटर अंदर लगा हुआ है SMPS के डाइड, और ये कैपेसिटर यहाँ से डाइड और ये कैपेसिटर। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपने इसको लगा के मेंस देके और इसके ऊपर वोल्टेज चेक करने हैं। ये 18-20 से ऊपर वोल्टेज ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 20-22 तक भी चल जाएंगे, 23 चल जाएंगे, इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद ही आपने इस मॉड्यूल को लगाना है। तो मैं इसको इसका ग्रीन वायर भी लगाने जा रहा हूँ। देखिए इस कैपेसिटर से ये रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है, मैं इसको यहाँ लगा रहा अब दोस्तों इसमें जो ये तीन वायर तो अटैच हो गया है, जैसे ये ग्रीन वायर हो गया और ये रेड वायर हो गया मॉस्फेट के सेंटर पॉइंट पर, और ये ब्लैक वायर हो गया इस कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट पर। तो देखिए अब इसमें जो हमने इस IC को ओपन करके ये दो तारे वायर निकाली थी, अब इसको इंस्टॉल करना है। अब इसको दोस्तों आपने ध्यान से देखना है, जैसे ये इस तरह लगता है IC, इसकी एक नंबर पिन और दो नंबर पिन, ये एक है ये दो है। तो आपने इसको इसी तरह लगाना है एक नंबर और दो नंबर में। मैंने इसका अंदर से वो IC निकाल दिया है और इसका ये एक नंबर है और ये नीचे वाला दो नंबर है। मैं आपको थोड़ा और ध्यान से बताता हूँ दोस्तों, ये इसका एक नंबर है और ये दो नंबर है। तो आपने ये वायर इसकी यहीं पर लगानी है, जैसे इसमें दोस्तों येलो वायर जो एक नंबर पर लगाई हुई है, वाइट वायर जो दो नंबर पर लगाई हुई है। तो इसको मैं लगाने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों एक नंबर पर येलो वायर और दो नंबर पर वाइट वायर मैंने लगा दिया है। तो अब दोस्तों इस मॉड्यूल को यहाँ पर इसको लगाएंगे।
तो मैं लगा रहा हूँ। कैसी भी दोस्तों, आपको अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है, आप भी देखिए। ये देखिए वायर भी लग चुका है, मॉड्यूल को मैंने इसी तरह इसको यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब दोस्तों इसको चला करके देखते हैं क्या इसका है रिजल्ट। देखिए दोस्तों, ये ग्लो कर गया है, बहुत बढ़िया। आप भी इसी तरह इसको लगाकर देखिए, कोई मुश्किल आए, परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, कमेंट करके आप मुझे बताना, ताकि मैं आपको अच्छी तरह और बता सकूं। वैसे तो दोस्तों मैंने बहुत अच्छी तरह, बहुत बढ़िया विस्तार से वीडियो बनाई है, बस ये अकेला होने की वजह से थोड़ा ये प्रॉब्लम आई है। तो दोस्तों कोई भी SMPS है, किसी तरह की भी सप्लाई है, इसी तरह आपने इसको यूज़ करिए और बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है। थैंक यू दोस्तों।